दोस्तों, आपने सिंघम की ब्लॉकबस्टर फिल्म जख्म तो जरूर देखी होगी, जो एक सांप्रदायिक धर्म पर आधारित फिल्म थी। फिल्म में मुख्य अभिनेता अजय देसाई का किरदार निभाते हुए अजय देवगन दिखे थे, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जिनके माता पिता सभी धर्मों को मानते थे, पर वो खुद को सांप्रदायिक दंगों में तब उलझा पाता है जब उसकी माँ की मौत को राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए मुद्दा बनाया जाता है। इस फिल्म की कहानी तो थी ही लाजवाब, और इसको और मस्त बना दिया फिल्म के कलाकारों ने, जिन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म के कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू आपको करवाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सोनाली बेंद्रे। फिल्म में सोनिया का किरदार अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने निभाया। इस फिल्म में अजय आर देसाई की प्रेमिका होती है। इस किरदार को उन्होंने अच्छे से पर्दे पर निभाया और लोकप्रिय हो गई। अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम गोल्डी बहल है, जिनसे उन्होंने साल 2012 में शादी की। आज इनका एक बेटा भी है जिसका नाम रणवीर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके पति प्रोफेशन से एक सफल बिजनेसमैन है। नंबर 4, नागार्जुन अक्कीनेनी। फिल्म में रमन देसाई का किरदार निभाते हुए अभिनेता नागार्जुन अक्कीनेनी नजर आए, जिनका किरदार फिल्म में अजय आर देसाई के पिता का था। इस किरदार को इन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि पॉपुलर हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम अमला अक्कीनेनी है, जिनसे इन्होंने 1992 में शादी की। आज इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अखिल अक्कीनेनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक अभिनेत्री है, जिन्होंने शिवा, पुष्पक विमान, मनन जैसी फिल्मों में काम किया। इन्होंने अमला अक्कीनेनी से शादी करने से पहले लक्ष्मी से शादी की। ये शादी ज्यादा दिनों तक चली नहीं और तलाक हो। नंबर 3, अजय देवगन। फिल्म में मेन लीड रोल में अभिनेता अजय देवगन नजर आए, जिन्होंने अजय आर देसाई का किरदार निभाया, जो सोनिया से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दर्शकों ने इन दोनों की लव केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया और पॉपुलर हो गए। अगर बात करें इनके पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम काजोल है, जिनसे इन्होंने साल 1999 में लव मैरिज की। आज इनके दो प्यारे से बच्चे हैं, युग देवगन और न्यासा देवगन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी भी प्रोफेशन से अभिनेत्री रही, जिन्होंने तानाजी, बाजीगर, कर्ण अर्जुन, दुश्मन जैसी तमाम फिल्मों में काम किया। नंबर 2, कुणाल खेमू। फिल्म में अजय आर देसाई का बचपन का किरदार निभाते हुए अभिनेता कुणाल खेमू नजर आए, जिन्होंने अपनी मासूमियत से सभी को दीवाना बना दिया और ये भी लोकप्रिय हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सोआली खान है, जिनसे इन्होंने 2015 में शादी की, जो कि एक लव मैरिज थी। शादी के बाद कुछ सालों बाद इनके घर प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इनाया नौमी खेमू रखा गया। आपको बता दें, इनकी पत्नी भी एक अभिनेत्री है, जिन्होंने साहब, बीवी और गैंगस्टर, रंग दे बसंती और 31 अक्टूबर जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर 1, पूजा भट्ट। फिल्म में रमन देसाई की पत्नी और अजय आर देसाई की मां का किरदार निभाते हुए अभिनेत्री पूजा भट्ट नजर आई, जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी को अपना बना लिया। लेकिन अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम मनीष मखीजा है, जिनसे इन्होंने साल 2003 में शादी की। शादी के बाद रिश्ता जमा नहीं और 11 साल बाद इन दोनों के रिश्ते में इतना ज्यादा मतभेद बढ़ गया कि दोनों ने अलग होना उचित समझा। 2014 में तलाक हो गया। आपको बता दें, इनके पति पेशे से वीजे और एक एंकर है, जिन्हें दाऊधम सिंह शो की एंकरिंग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म में सबसे अच्छा अभिनय किसका लगा, हमें कमेंट में बता दीजिए, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।